कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज के आवास के 200 मीटर दायरे में रहने वाले लोगों की कोरोना जांच अनिवार्य होने के बाद जिला प्रशासन ने गूगल मैप को हथियार बनाया है। अब गूगल मैप से संक्रमित मरीज के आवास के आसपास का 200 मीटर दायरा और उसमें कितने घर हैं यह तय किया जाएगा। जिला कोरोना कंट्रोल रूम से इस मैपिंग को अंजाम दिया जाएगा। डीएम ने सीएमओ को कोरोना कंट्रोल रूम प्रभारी से समन्वय स्थापित करते हुए इस काम को अंजाम देने का निर्देश दिया है। कोरोना के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने फिर से पुरानी व्यवस्था के तहत संक्रमित मरीजों के संपर्क में आने वाले व आसपास रहने वाले व्यक्तियों की जांच का निर्णय लिया। इसके तहत कोरोना संक्रमित मरीज अंत मोहल्ले या कॉलोनी बस्ती में रहता है तो इसके पूरे परिवार सहित मोहल्ले वालों की भी जांच होगी। वहीं सड़क किनारे बने घरों में रहने वाले मरीज के घर के 200 मीटर दायरे में कोरोना जांच की जाएगी। इस 200 मीटर के दायरे को गूगल मैपिंग के जरिए कोरोना कंट्रोल रूम से निर्धारित किया जाएगा। डीएम के मुताबिक कोरोना संक्रमित मरीज से ज्यादा समाज को उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति से होता है। संक्रमित को तो कोविड अस्पताल में भर्ती कर दिया जाता है मगर संपर्क वाला व्यक्ति कोरोना वाहक साबित होता है, इसलिए जिला प्रशासन ने तय किया है कि मरीज के संपर्क वालों की जांच करना अति आवश्यक है। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN न्यूज।